नहीं, हम वेट ही कर रहे थे कि कब आप आंख खोले और कब हम आपको ये बीच में नहीं हटना। बस हो गया। चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप किसी बड़े यूट्यूबर के साथ ना कोलैब कीजिए। तो कोलैब करते हैं किसी बड़े यूट्यूबर के साथ, तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू नन अदर देन। और अगर गाली वाली दी तो मैं कट कर दूंगा और नहीं दिखाऊंगा, यही वीडियो समझ लेना, एंड हो। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और कोविड से भी सेफ होंगे। तो गाइस, मैं आज का व्लॉग है बहुत स्पेशल होने वाला है आज। मतलब क्या है आपको बता ही देता हूँ, विहान का हेयर कट करवाने जा रहा हूँ फर्स्ट टाइम। उसका एक अलग सा लुक मैंने गूगल पे सर्च किया है, देखते हैं आपको पसंद आता है या नहीं, बट और उसको भी सूट करता है या नहीं। तो उसको आज मैं थोड़ा सा लेके जा रहा हूँ, उसके नेल वेल कट करूँगा और थोड़ा सा उसका एक नया हेयर स्टाइल करवाने जा रहा हूँ। और मेरा भी थोड़ा सा ये बियर्ड वियर्ड है ये, और थोड़ा हेयर स्टाइल भी थोड़ा करवा लेता हूँ, क्योंकि बर्थडे के टाइम पे शायद इतना टाइम नहीं मिल पाएगा। तो आज ही जा रहा हूँ और देखते हैं विहान का क्या रिएक्शन होता है। आई डोंट नो, मैं अकेला जा रहा हूँ और वो करवाएगा नहीं करवाएगा, तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसका फर्स्ट हेयर कट है। तो गाइस दिखाते हैं आपको सरप्राइज कैसा लग रहा है, वो इसके बाद कैसा लगेगा। बयान उठ चुका है, नहीं हम वेट ही कर रहे थे कि कब आप आँख खोलें और कब हम आपको सैलून लेके जाएं और अपना नया कंटेंट तैयार करें। विहान, हम वेट कर रहे थे आपके उठने का। अंकुर और विहान रॉक्स, हाँ सब पसंद करते हैं ना देखना अपने को साथ में दोनों। उठ जा, जरा हेयर कट करवाना है, न्यू लुक। मामू के बर्थडे पे तेरे को सेक्सी सा लगना है, सेक्सी लौंडा। हाँ चल अभी खड़ा हो, तेरा मढ़िया सा सेक्सी सा हेयर कट करवाने चलते हैं। उठ जा बाबू, उठ जा। विहान सोच रहा है अपने फ्यूचर के बारे में कि फ्यूचर में कैसा व्लॉगर बनूंगा, क्या करूंगा, क्या मेरे ड्रीम्स होंगे। फनी व्लॉगर बनूंगा, रोस्ट करूंगा, ट्रैवलिंग व्लॉग्स करूंगा, फूड व्लॉग्स करूंगा। विहू भाई तू वापस मत सो यार। तो चलो गाइस चलते हैं विहान का नया हेयर कट करवाने। आर यू रेडी बेबी? हाँ चलो हेयर कट करवाने, मेरे जैसे फंकी बनना है। यूथ फॉलो करता है मामा को, यूथ फॉलो करता है मामा को, यूथ फॉलो करता है मामा को। चले ठीक है गाइस चलते हैं। आज सोचा है इसके लिए कुछ अच्छे अच्छे हेयर कट सिलेक्ट किए हैं विहान के लिए, नया हेयर कट करवाने। एक्साइटेड बेबी? निकलते हैं। हाँ मेरा कुछ फ्रीक्वेंटली दो तीन दिन से मे भी शायद रीज़न हो सकते हैं, कहीं जगह इंटरनेट नहीं चल रहा है या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं, तो फ्रीक्वेंटली मेरे व्यूज़ बहुत डाउन होते जा रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि लोग मुझे देखना पसंद नहीं करते, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं। मतलब मेरे पास DM कर रहे थे, मतलब कि मेरे व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे, इंस्टाग्राम पे भी आ रहे थे, टेलीग्राम पे भी आ रहे थे, मतलब चिट्ठी भी आई दो दिन की आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं, तार आ रहे थे, कईयों ने तो कबूतर भी भेजे। तो गाइस फिर मैंने सोचा कि हाँ किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसा काम कीजिए कि मतलब आपके अगर व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, गिर रहे हैं, चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, तो आप किसी बड़े यूट्यूबर के साथ ना कोलैब कीजिए। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है जितना बजट अपना है उसके हिसाब से कोलैब करते हैं किसी बड़े यूट्यूबर के साथ। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू नन अदर देन विहान, विहान शर्मा, विहान की दुनिया। विहान से हाय टू माय यूट्यूब फैमिली, योर यूट्यूब फैमिली, आर यूट्यूब फैमिली। आर यू एक्साइटेड बेबी? बोल देना प्लीज सब्सक्राइब टू मामाज चैनल A4 अंकुर। बेबी बोलना से हेलो भैया, आपके साथ कोलैब कर रहा हूँ, कुछ तो फायदा मिलना चाहिए ना। हाँ कोलैबोरेशन का। विहान बेबी से हाय, चलो वो अपना सिग्नेचर स्टेप करके दिया। शायद गाइस आज कोलैबोरेशन के मूड में नहीं है बंदा, थोड़ा एटीट्यूड आ गया है शायद। बड़े आदमी बन चुके हैं, 20,000 सब्सक्राइबर, ये कहाँ 12,000 सब्सक्राइबर वालों के साथ थोड़ा सा मतलब वीडियो में अपना शॉट देंगे। विहू विहान बड़े यूट्यूबर हो गए हो। ठीक है गाइस, आप मिल लिए होंगे इंडिया के या शायद वर्ल्ड के यंगेस्ट यूट्यूबर, यंगेस्ट ब्लॉगर से। तो गाइस चलते हैं इनका हेयर कट करवाने के लिए, आज मुझे जिम्मेदारी दी गई है तो बर्थडे पे थोड़ा मैं सोच रहा हूँ मेरे जैसा ही दिखे ये, थोड़ा सा मतलब काला तो नहीं कर पाऊंगा इसको, बट जो है लेट मी ट्राई कि इसके लिए बेटर क्या कर सकता हूँ। तो इसको एक सैलून पे लेके जा रहा हूँ, गूगल से सर्च किया कुछ हेयर स्टाइल, तो देखते हैं कैसा लगता है। और ये देखना ये गियर छेड़ रहे हैं विहान बेबी,
नो बेबी, क्लच पे पैर है मामा का, आई नो इफ यू आर स्मार्ट। विहान बेबी से हेलो। चलो गाय चलते हैं इसका हेयर कट, क्योंकि ये वहाँ भी बहुत चोचले करने वाला है, मुझे पता है ये इतना इजीली नहीं करवाएगा। ये निशान अभी तक ठीक नहीं हुआ था, इसने दो तीन और दे दिए हैं यहाँ पे, तो मैं सोच रहा हूँ शायद इसको बियर्ड अच्छी नहीं लग रही, तो वो ट्रिम करवा लेता हूँ थोड़ी सी। विहान डोगी कैसे करता है? वह इतना लंबा नहीं करता, डोगी एंटी यूट्यूबर्स नहीं, डोगी कैसे करता है? विहान बेबी डोगी कैसे करता है? चलो गाइस चलते हैं इसको लेके इसका हेयर कट करवाते हैं। और सरप्राइज है, निधि को भी आइडिया नहीं है कुछ भी कि हाँ मैं इसका कौन सा लुक करवाने लेके जा रहा हूँ, तो देखते हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। पहले सोचा था इसके अजीब अजीब से हेयर कट करवा के जाऊंगा और उसका रिएक्शन नोट करूंगा, बट क्या है मेरी जान है, तो प्यारा सा ही करवाऊंगा डेफिनेटली। तो गाइस ये कह रहा है प्लीज सब्सक्राइब टू ए फॉर अंकुर। क्या कह रहा है? निधि की दुनिया विनू और ए फॉर अंकुर। चलो गाइस चलते हैं। एक्चुअली मेरे साथ कोई है नहीं जो हैंडल कर सके, तो मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे लगा था कि मैं भी थोड़ा ट्रिमिंग वगैरह करवा लूंगा, बट मुझे लगता नहीं कि शैतान करवाने देगा, तो लेट्स सी, देखते हैं अगर ये कोऑपरेट करता है। आपको दिखा देता हूँ बिफोर और आफ्टर का, और मैं यहीं पे आया हूँ जहाँ पे मैं हेयर कट करवाता हूँ। अब भैया को बताता हूँ कौन सा हेयर कट करना है और वो कैसे करते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा। विहान कैसा लग रहा है? अभियान अभियान सेट देख, डर रहा है अभियान आज। मैंने भैया को बता दिया है कि हाँ कौन सा हेयर कट करना है, काफी फंकी सा है, देखते हैं अभियान का बाद में कैसा लगता है, और निधि का भी रिएक्शन देखेंगे बाद में। वैसे गाइस मैंने जितना देखा है कि बच्चे बहुत रोते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं हेयर कट करवाते हुए देखना, बट ये बहुत ही इजीली करवा रहा है, बहुत आराम से और मज़े आ रहे हैं इसको। इसने जब इसका मुंडन कराया था तब भी बिल्कुल भी नहीं रोया था, और मैं यहीं से भैया को लेकर गया था और यहीं से करवाया था मुंडन भी। अब मुड़ेगा ये। गाइस आप भी अगर कभी हेयर कट करवाने आए हैं बच्चे के साथ, तो ऐसे कोई टॉयज साथ में ले आइए उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए, या फिर उसको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दीजिए ताकि वो उसका ध्यान कहीं और चला जाए। गाइस ये काम है निधि के काम है, देखना निधि ने ये इसके लिए लिपस्टिक लगा दी किस करते हुए। इतने प्यार से बाल कटवा रहे, इतने प्यार से नाखून भी कटवा लिया कर, जिससे नोचता है सबको। ओए बीच में नहीं है ना, अभी अभी रहता है, अभी नॉट ओवर यार। कैसा निकला है गाइस ये देखना। देखना गाइस विहान के ना थोड़े से अपर लिप्स भी आए हैं, अपर लिप्स और थ्रेडिंग भी करवानी पड़ेगी इसकी। विहान नहीं बेटे, नॉर्मली आराम से करवा लो। विहान बस हो गया हो गया हो गया। गाइस देख लीजिए बच्चे को साथ लेके आने का क्या क्या वो है ड्रॉबैक्स, मतलब कि मैं अब जहाँ पे पैर रखते हैं वहाँ पे बैठा हूँ, और इसको इसको इसका माइंड डाइवर्ट कर रहा हूँ ताकि इसका माइंड डाइवर्ट रहे और इजीली ये कटिंग करवा ले। विहान
नोना नोना लगने है ना। तो गाइस हम फाइनली घर पहुंच चुके हैं और विहान देख लीजिए, विहान का हेयर कट भी देख लीजिए। अब क्या है मैं देखता हूँ, रिएक्शन दिखाता हूँ घर वालों का क्या होता है। अगर अच्छा रिएक्शन लगा तो डेफिनेटली आपको दिखा दूंगा, और अगर गाली वाली दी तो मैं कट कर दूंगा और नहीं दिखाऊंगा, यही वीडियो समझ लेना एंड हो चुकी है। चले विहान बेबी, सेक्शन में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे विहान को। बिहू फंकी लग रहा है लोंडा है विहान। गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है बेचारा हेयर कट मतलब नए वाला तो कैसा लगा, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो अभी ये सही सही कर रहा है, मैं भी सोचता हूँ इसके साथ, देखता हूँ। अभी मौसम रात का हो चुका है, मौसम थोड़ा ठंडा है तो सुबह नहलाएंगे इसको। अंडरटेकर उठ गया अंडरटेकर। ये मंकी तू तो जेंटलमैन बन गया विहान। कैसा लग रहा है मम्मी विहान? नहीं पहले क्या, अभी क्या बोल रहे थे? ऑनेस्टली बताओ कैसा लग रहा है, क्या लग रहा था? कार्टून लग रहा है विहान, देख रहे तेरी इमेज, तेरी इमेज स्माइल कर रही है ये माँ बेटी की दुनिया है। तेरे से आधे सब्सक्राइबर भी नहीं है इस चीज, माँ बेटी की दुनिया आ गई और देख तेरे बारे में क्या बोल रही है, कार्टून लग रहा है। व्यान बोल, सेक्सी लग रहे हैं हम हैं? आपको कुछ नहीं पता, आपको स्टाइल और फैशन का नहीं पता। अब इसकी माँ का रिएक्शन देखते हैं कैसा आएगा। ओए विहू कहते हम सेक्सी लग रहे हैं। कैसा लग रहा है बता बेटे, अच्छा लग रहा है ना? बोल हम सेक्सी लग रहे हैं। हाँ क्या रे, हम कार्टून नहीं है हम कार्टून। तो गाइस बताना कमेंट सेक्शन में कि कैसा लग रहा है इसका नया हेयर कट, कैसा लग रहा है बंदर का। मुझे तो बहुत प्यारा लगा और इसको सूट भी कर रहा है। आप भी प्लीज बताना, आपका बच्चा है तो आपकी राय भी बहुत जरूरी है, तो आप कमेंट्स में बताना कि हाँ कैसा लग रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके एक टैटू भी बनवा दूँ यहाँ पे नेक पे प्यारा सा। गाइस देख लीजिए इसके, जिसके 20,000 सब्सक्राइबर्स हैं वो क्या हरकतें कर रहा होता है पीठ पीछे से, मतलब ऑफ कैमरा क्या हरकतें करता है विहान। ओए कदर नहीं है बेटे तुझे, बिहू क्या कर रहा है। ओए विहान चलो गाइस अब रिएक्शन नोट करते हैं निधि का, कि निधि को कैसा लगता है विहान। कैसा लगा इसका ये फैल? अच्छा है, काफी स्पोर्टी लुक आ रही है। हाँ थैंक यू फंकी बोलते हैं वैसे इसका विहान, फंकी लग रहा है विहू। इधर आओ बेटा, जा मम्मा के पास जा, आ जा ठीक लगा ना ये शायद, मतलब बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है। चलो फाइनली पसंद आया निधि को, निधि का रिएक्शन भी बहुत प्यारा लगा, और मतलब मेरी आज की वीडियो शेयर होगी ना। थैंक यू सो मच। ओए विहान नजर आ रही है इसके, वो लगा दियो निधि टिक्का वगैरह कुछ, या काला धागा बांध दियो।